भाइयो आज आप बात करांगे एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसने समाज बदलने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं सीनियर ओलंपिक कोच महावीर सिंह फोगाट की, जिसे दंगल का राजा कहा जाता है और बच्चे कहते हैं ये बापू तो हानिकारक है। इससे पहले आपसे एक विनती है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए, साथ में प्यारी सी घंटी को दबाइए जिसे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। इस सम्राट का जन्म हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बल्लाड़ी गांव में हुआ। महावीर सिंह का जन्म एक जमींदार के घर में हुआ। इनके पिता एक पहलवान थे। 16 साल की उम्र में महावीर फोगाट द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान चंदकी राम के पास कुश्ती के गुर सीखने चले गए और 80 के दशक में इन्होंने अपना नाम कमा लिया। बहुत से दंगल भी जीते। महावीर सिंह फोगाट ने पंजाब के गांव, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में जाकर जीत का परचम लहराया और कहा जाता है कि दंगल में उतरने के बाद जीत कर ही बाहर निकलते थे। महावीर फोगाट की शादी दयाकौर से हुई। इनको 4 बेटियां हैं, सबसे बड़ी गीता, बबीता, रितु और संगीता फोगाट। महावीर फोगाट के छोटे भाई की जल्दी मृत्यु होने के कारण बेटी विनेश और प्रियंका फोगाट की भी परवरिश इन्होंने ही की। अब 4 नहीं 6 बेटियों को ट्रेनिंग देने लगे। लेकिन आपको बता दें कि महावीर फोगाट पर उनके कोच चंदकी राम का असर था। पहलवान चंदकी राम ने भी अपनी बेटियां दंगल में उतारी थी। चंदकी राम ने कहा कि अपनी बेटियों के लिए काम करो, लोगों की छोड़ो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। लेकिन महावीर फोगाट इंस्पायर हुए सन 2000 की पहली महिला गोल्ड मेडलिस्ट कर्णम मलेश्वरी से और इन्होंने कहा कि मैं भी अपनी बेटियों के लिए लड़ूंगा। लेकिन महावीर फोगाट ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की नौकरी छोड़ अपनी बेटियों को गांव और खेतों में मेहनत कराते थे। लोग कहते थे ये लड़कों का खेल है, ये लड़कों जैसी हो गई है, इनसे शादी कौन करेगा। लेकिन महावीर फोगाट ने कहा मैं इन्हें इतना काबिल बनाऊंगा कि लड़के इन्हें देखने नहीं, ये लड़कों को देखने जाएगी। महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों को पीटा, सजा दी, रगड़ा दिया और आखिर में सोना बनके बाहर निकली और उनकी चमक दूर दूर तक फैली। गीता, बबीता और विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची। वहीं रितु, संगीता, प्रियंका ने नेशनल लेवल पर अपना नाम कमाया। और आपको बता दें कि महावीर सिंह फोगाट की जीवनी पर एक 224 पेज की किताब भी लिखी गई है, जिसे लिखा है खेल पत्रकार सौरभ दुग्गल ने, जिसका नाम है अखाड़ा। आपको बता दें कि देश में पहले एक महिला अखाड़ा होता था, लेकिन महावीर फोगाट की मेहनत से आज 8 महिला अखाड़े हैं जहां पे लड़कियां कुश्ती खेलती है। आज के टाइम महावीर फोगाट अपने परिवार की बेटियों के साथ साथ हरियाणा की बेटियों को भी ट्रेनिंग देते हैं और महावीर फोगाट ने कहा है कि अगले ओलंपिक तक 15 से 20 लड़कियां ओलंपिक के लिए तैयार कर दूंगा। भाइयों ऐसी महान शख्सियत के लिए जितने शब्द कहें उतने कम है। लास्ट में हम आमिर खान का डायलॉग बोलेंगे, एक बात याद रखना बेटा, जब सिल्वर जीती तो लोग आज नहीं तो कल तने भूल जाओगे, लेकिन गोल्ड जीती तो एक मिसाल बन जाओगी। तो दोस्तों आपको महावीर सिंह फोगाट की जीवनी कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अब आपसे जाने की अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, लव यू ऑल।